अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाया जा सकता है? तो प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राण का आयाम। जो लोग योग, जो लोग प्राणायाम करते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भोजन में हरी सब्जी लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जल्दी जल्दी करना और ज्यादा करना भी नुकसानदेह है। तो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम गिनती के साथ करनी चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर आनंद, अनुलोम विलोम प्राणायाम अधिकतर सभी करते हैं, इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाया जा सकता है? पहली बात तो अनुलोम माने होता है सीधा, अब विलोम माने होता है उल्टा। दाई नासिका को हम अनुलोम कहते हैं और बाई नासिका को हम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम का प्रचार सिद्ध है बाबा रामदेव की व्यापक प्रचार से बहुत हो गया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि 100 में अधिकतर लोग गलत भी करते हैं। उसका रीजन क्या है? मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज कहा करते थे कि प्राणायाम करने के पहले हमें 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो हमारा पेट खूब खुल के साफ होना चाहिए। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भोजन में हरी सब्जी लें, गणेश क्रिया कर लें, कभी कभी बस्ती कर लें। और दूसरी है कि हवा शुद्ध होनी चाहिए, इसलिए प्राणायाम करने का विधान हमारे यहाँ प्रातःकाल होता है। ये नहीं कि जब आपको मन आया बैठ के करने लगे। सूर्य निकलने के बाद अनुलोम विलोम किसी भी प्राणायाम का प्रभाव बहुत कम होता है। तीसरा, जब हम प्राणायाम करें तो श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए। अगर आप नॉर्मली अपने पेट पर नाभि के ऊपर हाथ रखें और श्वास लेने पर अगर पेट बाहर हो रहा है, तब तो श्वास आपका सीधा है। अगर आप उल्टा हो रहा है तो उसको सीधा करने की टेक्निक सीखिए। तो प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राण का आयाम। प्राण माने होता है जैविक विद्युत, अंग्रेजी में कहते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी। इस प्राणायाम के माध्यम से हमें जैविक विद्युत शक्ति बढ़ानी है। जैसे चक्की में, किसी पुराने काल चक्की में हम लोग पहले गेहूं पीसते थे, अगर हम उसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो गेहूं पीसेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो गेहूं नहीं पीसेगा। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के पहले श्वास का सीधा चलना और शुद्ध हवा होना, पेट का साफ होना, और चौथी बात, दोनों स्वर एक साथ चलने चाहिए। दोनों स्वर एक साथ चलने के लिए जो आजकल कपाल भाती प्राणायाम लोग करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी करना और ज़्यादा करना भी नुकसानदेह है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के पहले जैसे मेरे दोनों स्वर चल रहे हैं, इसका परीक्षण कैसे करेंगे कि हाथ सामने ले लिया और जोर से हमने किया, दोनों मेरे स्वर चल रहे हैं। जब दोनों स्वर एक साथ चलेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत लाभ होगा। गर्मियों के दिनों में अगर आपका दायां स्वर चल रहा है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो बॉडी में गर्मी और बढ़ जाएगी। सर्दियों में अगर आपका बायां स्वर चल रहा है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो बॉडी में सर्दी और बढ़ जाएगी। इसे दोनों स्वर का चलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आजकल लोग बाग सीधे श्वास को खींचते हैं फिर निकालते हैं, इससे लाभ होगा, हम ये नहीं कह रहे लाभ नहीं होगा, लेकिन अधिक लाभ पाने के लिए आप दाई नासिका बंद कर लीजिए और बाई नासिका से 4 गिनती में श्वास भरिए, 1 2 3 4। अब फिर नाक को बंद करिए और दाई नासिका से निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पीड वही रहेगी। और फिर उससे भरिए 4 गिनती में, फिर बाएं से 8 में निकालिए। ये एक प्राणायाम हुआ। अब एक सप्ताह बाद 5 गिनती में भरेंगे, 10 में निकालेंगे। आप एक सप्ताह के बाद 6 गिनती में भरेंगे, 12 में निकालेंगे। एक सप्ताह बाद 7 गिनती में भरेंगे, 14 में निकालेंगे। एक सप्ताह बाद 8 में भरेंगे, 16 में निकालेंगे। ऐसे प्रति सप्ताह बढ़ाते बढ़ाते 19 में भरेंगे, 38 निकालेंगे।
अब 20 में भरेंगे 40 में निकालेंगे, और इतना करने के बाद आपका फेफड़ा श्वास ना फूले, तो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम गिनती के साथ करनी चाहिए, और गिनती के साथ साथ में धीरे धीरे प्रति सप्ताह एक एक गिनती बढ़ाएंगे, यानी एक गिनती भरने में बढ़ाएंगे तो दो गिनती निकालने में बढ़ाएंगे, और चार से शुरू करेंगे और लगभग पाँच सप्ताह लगभग 3-4 महीने में 20 में भरेंगे और 40 में निकालेंगे, यानी 20 में भरेंगे 40 में निकालेंगे। अगर आप इस प्राणायाम को सिद्ध कर लें, जिंदगी में कभी दमा नहीं होगा, कभी ब्रोंकल एस्थमा नहीं होगा, कभी आपके फेफड़े कमजोर नहीं होंगे, टीबी होने का सवाल नहीं उठता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये प्राणायाम बहुत अच्छा है, और हम श्रद्धेय बाबा रामदेव को बहुत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इसको जन जन में चर्चा की, लेकिन अगर गिनती के साथ नहीं करते हैं जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखें, प्राणायाम करने वालों को मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जो इतने प्राणायाम के मास्टर थे, वो प्राणायाम के द्वारा अपने ऊपर तख्ता रख करके लकड़ी का रोड रोलर चढ़वा लेते थे, प्राणायाम के द्वारा वो ये लोहे के तसले कागज की तरह फाड़ दिया करते थे। तो इसलिए प्राणायाम का सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि आप 4 में भरें, 8 में निकालें, 5 भरें, 10 में निकालें। और एक बात और ध्यान रखें, प्राणायाम में कुंभक यानी श्वास को अंदर रोकना, और प्राणायाम में शून्यक अर्थात श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोकना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको 20 गिनती में श्वास भरना और 40 गिनती में श्वास निकालने की मास्टरी ना हो जाए, अन्यथा नुकसान होता है। क्योंकि प्राणायाम से जैसे आप अपने किसी जब हवा कम हो जाती है हमारी गाड़ी में या हमारे स्कूटर में या हमारे बाइक में, तो हम हवा भरवाने के लिए जाते हैं, उसको मालूम होता है कि इसमें 30 पाउंड हवा भरनी है कि 10 पाउंड भरनी है कि 5 पाउंड भरनी है। अगर वो गलती से आप उसको ज़्यादा बता दें या गलती से वो ज़्यादा भर जाए तो ट्यूब भी फटने का डर रहता है। इसलिए प्राणायाम को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें कि प्राणायाम करने वालों को चिकनाई जरूर कुछ ना कुछ लेना चाहिए। मैं व्यक्तिगत घी के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ आग में पका दी जाती है उसका मौलिक गुण खत्म हो जाता है। जैसे चने को आप बिना भूंजे, बिना उबाले, बिना तले अगर आप पानी में भिगो देंगे या जमीन में बो देंगे तो पेड़ निकल आएगा, अंकुर निकल आएगा। पर अगर आप भुने हुए चने को, उबले हुए चने को, तले हुए चने को अगर आप डालेंगे जमीन में तो नहीं उगेगा। इसी प्रकार से जो चिकनाई है, प्राकृतिक चिकनाई है कि आदमी को मक्खन प्रयोग करना चाहिए। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि आदमी को मक्खन खाना चाहिए, घी में मौलिक गुण नहीं रहता है। पर जिनके पास मालूम मक्खन खाने की व्यवस्था नहीं है, चाहे अर्थ का अभाव हो चाहे व्यवस्था का अभाव हो, उन लोगों को 50 ग्राम 25 ग्राम गरी चूसनी चाहिए कद्दूकस से कस के। जिनके पास ये भी व्यवस्था ना हो वो लोग मूंगफली, कच्ची मूंगफली यानी बिना भूंजी मूंगफली, बिना तली हुई मूंगफली अगर मुट्ठी भर रात को भिगो दें और सवेरे उसको छान करके चाहे अंकुर निकालें चाहे ना निकालें, खूब चबा चबा के खाएं, तो यह भी आपका चिकनाई का काम करेगा। तो प्राणायाम करने वालों को कुछ न कुछ चिकनाई जरूर प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक वजन घट जाता है। जिनको वजन नहीं घटाना है उनका भी घट जाता है। इसलिए प्राणायाम के पहले पेट का साफ होना, दोनों स्वर का चलना, शुद्ध हवा का होना, सीधी श्वास चलना और साथ में गिनती का अभ्यास करना, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम की सही विधि है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं मेरी तरह, वो 70+ में भी बिल्कुल 17 जैसे रहते हैं शक्ति के मामले में। इस प्राणायाम से किन अंगों को खास तौर से लाभ होता है? प्राणायाम का माध्यम तो फेफड़ा है, लंग्स हैं, पर शरीर में ऐसा ऑटो सिस्टम बना हुआ है कि इससे बन जाती है बायो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे नर्वस सिस्टम में बहता है। तो फेफड़ों को भी लाभ होता है, नर्वस सिस्टम को भी लाभ होता है,
और शरीर में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी जितनी होनी चाहिए अगर वो कम हो गई है तो मेंटेन होता है। इसका नाम ही है प्राण। प्राण माने होता है आत्मा, बिना प्राण के नहीं रहती। अगर प्राण जीरो हो जाए तो आत्मा भी जीरो हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम आत्मा का सबसे बड़ा साथी है। इससे जीवन स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है, शक्तिवान होता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि लोग 2 बजे सोते हैं और 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं, उस समय प्राणायाम करते हैं। कुछ लोग जब याद आता है तब करने लगते हैं। मैंने देखा कुछ लोग शौचालय में, टॉयलेट में ही प्राणायाम करने लगते हैं। ये सब गलत बात है। भोजन करने के बाद करने लगते हैं, ड्राइंग रूम में बैठे बैठे करने लगते हैं। इससे प्राणायाम से हानि होती है। प्राणायाम के लिए शुद्ध वायु का होना, सीधी श्वास चलना और साथ में पेट का साफ रखना। चलो एक बार पेट नहीं भी साफ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन शुद्ध हवा का होना, पेट का श्वास का सीधा होना और साथ साथ में गिनती निकालने में दुगना गिनती रखिए। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी विद्या को आप जन जन में पहुंचाने का बहुत उद्यम कर रही हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।